ये रिश्ता क्या कहलाता है। कितनी देर हो गई है शहीदी। बोला भैया आ गए आप। हाँ चिट्ठी दे दी ना। हाँ चिट्ठी तो दे दी पर क्या हुआ? क्या लेकिन पहुंच जाएगी। बोला भैया ठीक से बताइए, आपने चिट्ठी दी कि नहीं? नैतिक जी के हाथों में दी कि नहीं? हमें पूरा भरोसा है चिट्ठी नैतिक जी तक पहुंच जाएगी। तो दी किसको? वहां बहुत सारे लोग थे और सबके सब गेट पे ही खड़े हुए थे। उन सबसे मैं नजर बचाकर अंदर चिट्ठी देने ही वाला था नैतिक जी को कि वहां उनके दत्ता जी आ गए। तो आपने चिट्ठी दत्ता जी को दे दी? बोला भैया आपने दत्ता जी को चिट्ठी दी क्यों? ना ना अक्षरा दीदी, हम जितने बेवकूफ दिखते हैं ना उतने है नहीं। हमने चिट्ठी इतनी सूझबूझ से दी है कि सीधे नैतिक जी तक पहुंच जाएगी। पर दी किसको? डाकिए को। डाकिए को? हाँ हाँ डाकिए को। भैया डाकिया सही घर में चिट्ठी लाता है और सही आदमी को चिट्ठी देता है और ऊपर से वो क्या कहते हैं दस्तखत भी तो लेता है ना, जिसकी चिट्ठी होती है उसी के। अरे तो किस्मत अच्छी थी जो वो दरवाजे पर ही मिल गया हमें। मेरी किस्मत तो देख, अगर वो चिट्ठी किसी गलत आदमी के हाथ में लग गई तो। भोला भैया आपने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, इससे तो अच्छा होता कि आप चिट्ठी वापस ले आते। मैंने चिट्ठी लिखी क्यों? लो एक तरफ तो शौर्या भैया ने फोन करके इतनी जल्दी मचा दी और दूसरी तरफ वहां इतने सारे लोग थे, उनकी तो नजर पड़ते पड़ते रहेगी हम पर। पर अक्षरा दीदी आप चिंता मत करो, डाकिये को हमने इतनी अच्छी तरह समझाया है, डाकिया सीधे नैतिक जी के हाथ में चिट्ठी देगा। सच? शौर्या भैया हम चलते हैं। अर्शद अब कैसे पता चलेगा कि नैतिक जी को लेटर मिला है या नहीं? मिला होगा, देखना वो तुझे फोन जरूर करेंगे। टेंशन मत ले। ये भोला भी ना आजकल कोई काम सही से नहीं करता। ये देखो भोला, भोला जी। शौर्य भैया। भोला ये जी। शौर्य भैया क्या हुआ? भोला ये सब क्या है? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस घर में चांदी के वर्क वाली मिठाई नहीं आएगी, तो फिर ये सब क्या है? जो हमें उसने दी वही तो हम लेकर आए हैं। भोला क्या दी? ये देखो सब में वर्क है, देखो। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो सब हलवाई की है। नानी माँ ने कितनी बार कहा था पता है तुम्हें कि इस घर में चांदी के वर्क वाली मिठाई नहीं आएगी? तुम लोगों को कोई काम दे दो ना उसका बिल्कुल गड़बड़ कर देते हो तुम लोग। ये सब उनसे ही भूल हुई है, हमसे नहीं। शौर्य भैया ठीक, मैं उनसे पूछ लेता हूँ, कोई बात नहीं। हेलो हाँ जी, मैं शौर्य महेश्वरी बोल रहा हूँ जी। हमने आपसे कहा था ना कि हमारे घर में चांदी के वर्क की मिठाई नहीं आएगी, तो फिर आपने क्यों भेजी? क्या देरी से कहा था? अरे मैंने तो पहले ही कह दिया था, आप जरा उस शिवा से बात कीजिए। छुट्टी पे गए जनाब? आपने तो मेरी छुट्टी कर दी है। अब आप एक काम करिए, आप यहाँ आइए और सारी की सारी मिठाई ले जाइए, हमें नहीं चाहिए आपकी मिठाई। मेरी गलती है? अरे मेरी क्या गलती है? मेरी गलती अरे हमारा धर्म भ्रष्ट कर देगा छोरा। नानी मैं देख रहा हूँ नानी। अरे क्या देख रहा है तू? तो बार नहीं मना किया था तन्ने? बोल नहीं किया था? ना रीत मानो ना रिवाज मानो, बस अपनी अपनी चलाते रहते हो। नानी मैंने उनसे कहा था पर वो अपनी गलती मत छुपा। अरे इस घर में तो नानी की किसी को सुननी नहीं है। शौर्य इसे क्यों लिया बेटा जब पता था कि? भाई जी मैंने जब उन्हें ऑर्डर दिया था तो बोला था कि हमारे घर में चांदी के वर्क वाली मिठाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन वो कह रहा है कि किसी को कहा ही नहीं और जिससे मैंने कहा था वो छुट्टी पे गया है, अब मैं क्या करूं? अरे ये कहानी अपनी नानी को मत सुना, खूब अच्छी तरह से जानती हूँ तन्ने। अरे हमारे सामने कम नाटक नहीं किए तन्ने। अरे बड़े बूढ़ों की सुनता ही कौन है यहाँ पे? नानी माँ ये सब मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है, मुझे खुद वहाँ जाना चाहिए था, पर घर में इतने सारे काम है मैं क्या क्या देखूँ मैं? लो गलती करो और फिर बड़ी दिलेरी से कह दो हो गई गलती हम क्या करें, चार बातें मुझसे बुलवाई देते हो। तो क्या करूँ नानी माँ, अपना सर फोड़ लूँ या आपके लिए सूली पर चढ़ जाऊँ मैं?
छोरा प्रबंध व्यवस्था में परेशान है, इसीलिए बोल गया। ये तो तुम्हारा बहुत आदर करे। हाँ मास्टर जी, आपने पहले क्यों नहीं नाप ठीक से लिया? लगता है गलत लिख दी थी। अरे ऐसे कैसे गलत लिख दिया? ब्याह है अक्षरा का, कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए ना। लीजिए अब जल्दी सब ब्लाउज लेकर जाइए और फटाफट ठीक करके दीजिए। जी मैं ज्यादा कारीगर बिठा देता हूँ। हाँ। आधे घंटे में सारे ब्लाउज मिल जाएंगे। हाँ। हमारी छोरी का ब्याह है, हमारी जिम्मेदारी है। ठीक। वैसे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मास्टर जी, हमेशा आप ही सिलते हैं, इस बार कैसे किया आपने? अब सब ठीक हो जाएगा, आधे घंटे में तेरे कपड़े भी आ जाएंगे और नैतिक जी को लेटर भी मिल जाएगा। नानी कुछ बोलती रही, ऐसा होता है किसी के सामने कुछ बोलती आप? क्या हुआ, क्या हुआ दादू, बात क्या है, बताइए तो सही, आप ठीक तो है ना? मैं होश में नहीं हूं अपने। और हाँ मास्टर जी, अंदर से एक और सिलाई देनी मत भूलिएगा। जी। हा? क्या हुआ माँ? अरे कार, शौर्य। अरे अभी तो मैंने उसे अक्षरा के कमरे में जाते हुए देखा था। क्यों? भाई जी, और तो कुछ नहीं करना है ना? नहीं और कुछ नहीं करना है मास्टर जी, लेकिन जो काम बताए हैं वो ध्यान से कीजिएगा। एक भी चीज छूटनी नहीं चाहिए, इस बार मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी। हाँ शादी के हजार काम निपटाऊं या सिलाइयां ठीक करवाती फिरूं? हाँ मुझे नानी माँ से ऐसे गुस्से में बात नहीं करनी थी, पर मैं क्या कहता बोलूँ, कभी कभी तो नानी माँ बिल्कुल हद कर देती हैं। आप हमेशा मुझे समझाते हैं ना कि नानी माँ की बात का बुरा इस घर में कोई नहीं मानता है, और आज इसी बात पे तो मुझे गुस्सा आ गया। अरे आज कितने सारे काम है, मैं क्या कह देखूं, और नानी माँ के सुनने को तैयार ही नहीं है। अब बात खत्म तो करनी है ना, आप प्लीज से माफी मांग लीजिए। माफी? वर्षा अभी तो मैं उनसे बात करने की भी हालत में नहीं हूँ। बात बड़ी ही शौर्य, अब नानी माँ को बुरा लगा होगा। क्या उन्हें बुरा लगेगा? वो हमारे बारे में सोचती हैं, जो मुंह में आया कह दिया बस। उस दिन देखा था मामा जी के साथ कैसा बर्ताव किया था उन्होंने, और हमारी माँ वो तो उन्हीं की सुनती है। हम नानी माँ के नाज नखरे सब उठाएं, लेकिन वो हमारी परवाह भी ना करें। और तुम क्या मुझे समझा रही हो, उनके निशाने पे हमेशा तुम रहती हो, तुम्हें पता है ना, अभी प्यार से तुम्हारे सर पे हाथ रखा है उन्होंने। ओहो उनकी जुबान ही ऐसी है, कड़वा बोल देती है, सुना देती है। बात बोलो ना तो बहुत कड़वी लगती है, खूब सिखाया पढ़ाया हमारे छोरे को, सब जानती हूँ। अरे हमारा छोरा एकदम गऊ था गऊ, जब से तू आई है ना इस घर में हमारे खिलाफ क्यों भड़का रही सबको, क्या चाहती क्या तू? बस कीजिए नानी, बस कीजिए। क्यों खामखा बात का बतंगड़ बना रही हैं आप, क्यों बेवजह माहौल खराब कर रही हैं? आज मेरी शादी है और ये शादी क्या ऐसी होगी वर्षा, ना ही नैतिक जी को मेरा लेटर मिलेगा और ना ही मेरी उनसे बात हो पाएगी। Thank you.
बच्चों, ये क्या शोर मचा रहे हो? अरे क्या हो रहा है ये? क्यों इतना शोर मचा रहे हो? चलो जाओ यहाँ से। दादा प्लीज खेलने दीजिए ना। मैं यहाँ पे जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम लोग जाओ। चलो दादा, पर आपकी तो शादी है, आपको कैसा काम? अरे कितने शैतान बच्चे हैं। देखिए ना भाभी माँ, सब लोग मेरे कमरे में घुसा है। फिर हमारा कमरा कौन सा है? कोई हमें खेलने ही नहीं देता है, बाहर बबलू भैया नहीं खेलने देते और आप अंदर नहीं खेलने देते। बात तो सच है, लेकिन भाभी माँ ये लोग सारा कमरा गंदा कर देंगे, मैं इन्हें यहाँ नहीं खेलने दूंगा। देखो दादा का कमरा बिल्कुल खराब नहीं करना, ठीक है? ठीक है। ये। पर भाभी माँ, तू भी ना मुन्ना, कल तेरे अपने बच्चे होंगे तो क्या तू उन्हें भी भगा देगा? आदत डाल ले। वैसे मैं तुझे बुलाने आई हूँ, तेरे दादाजी तुझे मिलना चाहते हैं। पर भाभी माँ ये लोग बहुत मस्ती करेंगे, सारी चीजें इधर से उधर कर देंगे और खराब भी करेंगे, पहले आप इन्हें यहाँ से भगाइए। देखो बच्चों, अगर किसी ने कोई भी चीज को हाथ लगाया तो मैं एक एक के कान खींच दूंगी, शांति से खेलना, ठीक है? ठीक है। ये। भाई माँ चल मुन्ना, चल चल ना। जाइए दादा, जाइए जाइए, दादा जी राह दिख रहे होंगे। अच्छा एक मिनट, चल चल तू। भाभी माँ से पूछूंगी तो वो तो कहेंगी ये पहन। शादी की तैयारी कर रही हूँ बस। न्योछावर करने के लिए आपने नए नोट मंगा दिए? हाँ। कुछ कह रहे थे आप? हाँ हाँ, वो मुन्ना के बारे में। आज उसका मूड बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करिए, सब कुछ अच्छी तरह से हो जाएगा। नई जिम्मेदारी का बोझ एकदम से कंधों पर आ गया है ना, इसलिए घबरा गया था मुन्ना। नहीं नहीं, मैं उसकी नौकरी के बारे में बात कर रहा हूँ। नौकरी? हाँ, उसने जो इंटरव्यू दिया था ना, उसे वो नौकरी नहीं मिली। मेरा मतलब है सिलेक्ट नहीं किया गया उसे। गायत्री जी, होता है, अभी तो पहला इंटरव्यू था, और ऐसी नौकरी के लिए कंपनी वालों को अनुभवी कैंडिडेट चाहिए होते हैं, और फिर हमारे मुन्ना ने तो अभी अभी पढ़ाई खत्म की। गायत्री जी, ऐसी नौकरी इतनी जल्दी और आसानी से तो नहीं मिलती। हाँ पर आज ही ये खबर आनी थी, मुश्किल से उसका मूड ठीक हुआ है। अभी नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं बताया उसे अभी, और ना ही उसे कुछ भी पता चलने देंगे। पर एक बात है गायत्री जी, भले ही हमारा मुन्ना हमारे खिलाफ जाकर इंटरव्यू दे आया हो, बुरा तो हमें भी बहुत लग रहा है। मुन्ना को तो इस खबर से बहुत बड़ा धक्का लगेगा, ऊपर से भावुक भी तो बहुत है हमारा ये मुन्ना। और किसी को पता है इस बात के बारे में? दद्दा जी, कंपनी का लेटर उन्हीं के हाथ पड़ा था, उन्होंने भी मुझे मना किया है नैतिक से कुछ भी बताने के लिए, खासकर आज जब वो अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। मुझे याद है मुन्ना ने नौकरी की इच्छा जताकर दद्दाजी को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई थी, पर आज आज दद्दाजी अपने मुन्ना का मनोबल कमजोर होते नहीं देख सकते हैं। उससे बात करने के लिए बुलाया है उसे। क्या बात? क्या बात करने वाले ये तो मुझे पता नहीं, पर उसे अपने पास बुलाया है। वाकई में अपना मुन्ना दद्दा जी की आंख का तारा है, तारा, जान छिड़कते हैं उस पर। ये रिश्ता